नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। मदन कौशिक की जगह अब प्रदेश की कमान पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट के हाथ में थमा दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाने का लेटर जारी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश के बाद आज उत्तराखंड के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र जारी हो चुका है। महेंद्र भट्ट के दिल्ली दौरे के दौरान जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। बताया जा रहा है कि मदन कौशिक को राज्य सरकार में जगह मिल सकती है। उत्तराखंड बीजेपी की कमान मिलने के बाद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक से मिलने उनके आवास पर भी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पार्टी आलाकमान को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी को और ज्यादा मजबूत कर सके। आपको बता दें कि मदन कौशिक का कार्यकाल खत्म होने में अभी 2.5 महीने का समय बाकी था। मैं अपने राष्ट्र नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को और इस प्रदेश की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो अपेक्षाएं संगठन की मुझसे, उन अपेक्षाओं में खड़ा उतर सकूं, उसके लिए रात दिन प्रयास करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता हूं, आने वाला जो चाहे हरिद्वार का पंचायत का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी शिखर पर यहाँ पर रहेगी। तो आपको बता दें, बेहद खास आज का दिन रहा और चौंकाने वाला भी, क्योंकि जेपी नड्डा से जिस दौरान महेंद्र भट्ट मुलाकात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करार दिया था, लेकिन उसके बाद सुबह ही देवभूमि की फिजाओं में महेंद्र भट्ट का नाम गूंजने लगा और महेंद्र भट्ट भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनकर उभरे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री जो है वो कुमाऊं मंडल से आते हैं और महेंद्र भट्ट गढ़वाल मंडल से आते हैं, और उत्तराखंड को जीतने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बीच में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वही बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश बीजेपी ने करी है आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। तो वही दूसरी तरफ चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन रहा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गजों का पहुंचना जारी है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने भगवान कामतानाथ के दर्शन किए और परिक्रमा भी की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मौर्य ने कहा, साल 2014 से अब तक हार का सामना करने से अखिलेश बौखला चुके हैं। उनको लगता था कि धरती में वही एक मनुष्य हैं जिन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया। अब उत्तर प्रदेश अनेक एक्सप्रेसवे का प्रदेश बन चुका है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से यहां विकास होगा। पहले जो भूमि कोई 50,000 बीघा नहीं लिया करता था, वो अब 50 लाख रुपए बीघा बिक रही है। बुंदेलखंड के लोगों के आय में बढ़ोतरी हुई है। यादव जी, कई समय चुनाव में हार के बाद लगातार हार के बाद हार, थोड़ा ये मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अच्छा से इलाज करा ले। अभी देख रहा था, एक दिन मैं भोले बाबा का पहले विरोध करते तब पूजा उजा किए हैं, शायद सदबुद्धि आवे, लेकिन आ नहीं रही। फोन लाइन पर हमारे साथ में संजय साहू जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राम जीरो से? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, कल ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे, और अब सियासत में तड़का लगना भी शुरू हो गया है। ना सिर्फ ये प्रशिक्षण शिविर रह गया है, बल्कि यहां से संधान हो रहा है विपक्षी दलों पर भी। बिल्कुल पूजा, देखिए, राजनीतिक दलों के खेमे में केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर चित्रकूट से जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भोले बाबा की पूजा करने से ही यहाँ पर पाप का अंत नहीं होता, यहाँ पर काम करने के लिए सामने उतर कर आकर देखना पड़ता है। और जिसका नतीजा आज ये है, चित्रकूट में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हमने जो है उनको कहा था कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वही हो रहा है। इस समय जो समय चल रहा है, इस समय मैं मंदाकिनी नदी के किनारे खड़ा हूँ पूजा, और मंदाकिनी नदी के किनारे शाम 6:30 से 7 बजे तक आज जो आरती का समय रखा गया है, उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित और जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और 2 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट और प्रदेश के राज्य मंत्री शिरकत करेंगे। इस समय मैं वही नजारा दिखाना चाहूंगा आपको, मंदाकिनी का वही नजारा है जहां से प्रभु श्री राम ने तुलसीदास को दर्शन दिए थे। और रामचरितमानस में एक कहावत है,
की चित्रकूट के घाट में भय संतन के भेर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबेर। तो ये वही मंदाकिनी नदी के किनारा है जहां तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम ने चंदन घिसते वक्त दर्शन दिए थे। और सीधे ये तस्वीरें हैं जहां पर अभी भी जो शाम की तस्वीरें हैं वो दिखेगी और यहीं से ही जो है राजनीति की दिशा और दशा तय होगी। पूजा बिल्कुल यहीं से राजनीति की दिशा और दशा तय होने वाली है और बुंदेलखंड इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गढ़ बन चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद। संजय मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए बुंदेलखंड के लोगों का क्या सोचना है, यहाँ से सियासती तीर तो बहुत चल रहे हैं लेकिन लोगों का ग्राउंड पर क्या सोचना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद उनको कितना बेनिफिट हुआ है या अब ये प्रशिक्षण शिविर चुकी हो रहा है इस वजह से यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, इसको लेकर के वो क्या सोचते हैं, ग्राउंड पर लोगों की क्या थिंकिंग है? देखिए जाहिर सी बात है कि इस पे कोई शक नहीं कि भाजपा सरकार ने काम किया है, चाहे वो तय वक्त रहते हुआ हो या फिर आगे बढ़ने के कार्यकाल के दौर शुरू हुआ हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को और यहाँ के लोगों को काम दिख रहा है। अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो इतने सालों से सरकार चलती आई है, 70 साल सरकार कांग्रेस की रही है, उसके बाद से अभी तक मात्र बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में यहाँ से सीधे दिल्ली की उड़ान भरने के लिए यहाँ के लोग तैयार हैं। लेकिन जो एक कनेक्टिविटी है उसके किनारे बुंदेलखंड के लोगों का ये कहना है कि जो एक्सप्रेसवे गया है उस एक्सप्रेसवे के किनारे कॉलोनियां बसाई जाएं, उसके किनारे मल्टीप्लेक्स होटल बसाए जाएं, उद्योग धंधे लगाए जाएं ताकि बुंदेलखंड का जो 297 किलोमीटर का एरिया है जैलाउं के कैथेरी गांव तक ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है वहां तक लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि जहां से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकला है, जहां से बाई लेन निकला है, वो छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरता है पूजा। तो जाहिर सी बात है बुंदेलखंड के लोग ये चाहेंगे सरकार से कि वो जो है आगे आकर काम करे और गरीबों के लिए काम करे। पूजा बिल्कुल अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद नजर सबकी रोजगार पर होने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय, हम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद खास है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी और बुंदेलखंड भी हर लिहाज से 2024 के लिहाज से भी, यही वजह है कि प्रशिक्षण शिविर के लिए अगर कोई जगह चुनी गई है तो वो चित्रकूट चुनी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली महोत्सव और ऊर्जा महोत्सव के अवसर पर ट्रांसमिशन और वितरण केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और इस मौके पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में बिजली की कमी बनी रहा करती थी पर अब हम बिजली निर्यात करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि उज्ज्वल भारत के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिजली महोत्सव और ऊर्जा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में करीबन 2,723 करोड़ रुपए की लागत से 17 ट्रांसमिशन और वितरण उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि 1,21,000 गांवों में आबादी के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई थी, हमने हर घर बिजली के लक्ष्य को पूरा किया, अब प्रदेश का हर जिला और गाँव VIP होगा। पहले 4 जिलों में बिजली मिला करती थी, अब सभी जगह रोस्टर के हिसाब से बिजली हम दे रहे हैं। आगे कहा कि अगले पांच सालों में अपनी बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना विभाग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, हमें बिजली की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनना है और पावर कॉरपोरेशन बिना भेदभाव के बिजली उपलब्ध कराएगा। प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है। 1,21,000 से अधिक गांव और मजरे ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां आजादी के बाद भी कभी विद्युत पहुंच नहीं पाई थी। उन गांवों तक, उन मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करना और विद्युतीकरण के कार्य के उपरांत सौभाग्य योजना लागू होने के पहले और सौभाग्य योजना लागू होने के उपरांत 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी इस दौरान प्रदेश ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए प्रदेश के हर घर बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। विद्युत वितरण के भेदभाव को दूर किया, पहले 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, शेष 71 जनपद अंधेरों में डूबे रहते थे, लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आज प्रदेश के अंदर कोई VIP जनपद नहीं बल्कि प्रदेश का हर जनपद और हर गांव VIP जनपद होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने आज जब ऊर्जा महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं तो यह सुनिश्चित यह करता है कि वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत आधार यही होती है।
जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे की विद्युत की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति के लक्ष्य को भी प्रदेश ने जब उसे प्राप्त किया है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था, क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभव हो सकता है, लेकिन उसे संभव भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई की मार झेल रही जनता को बड़ी राहत दी है। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया, अब यूपी में पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं बढ़ाया जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर अपने घर पर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्य में वैट की दर में कोई बढ़ोतरी या कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। आज पेट्रोल डीजल पर सबसे कम वैट दर उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने ये भी कहा कि निकट भविष्य में भी वैट में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आगरा के खेरिया मोड़ चौराहा स्थित तिरंगा चौक पर होने वाले ध्वजारोहण और राष्ट्रगान में नित्य रोजाना शामिल होने वाले मेहमानों की सूची में आज ध्वजारोहण करने वाले डीआईजी वीके सिंह शामिल हुए। उन्होंने ध्वजारोहण करते हुए राष्ट्र को नमन किया। इस दौरान उन्होंने अजीत नगर बाजार कमेटी की ओर से किए जा रहे इस सराहनीय कार्य के लिए बाजार कमेटी को धन्यवाद भी दिया। अजीत नगर बाजार कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि साल 2018 से ये ध्वजारोहण बाजार कमेटी के माध्यम से रोजाना किया जाता है, जिसमें रोजाना नए मेहमान ध्वजारोहण करने के लिए तिरंगा चौक पर आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के लिए पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, मैं आपके समक्ष ये प्रश्न रखता हूं। जो उनका खुदरा काम है वो क्यों कर रहे हैं? वो होलसेल में आए, मान लीजिए मेट्रो होलसेल लिखता है, लेकिन बिकता कहाँ है? आम आदमी। हम कतई ऑनलाइन के विरोध में नहीं है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड। वहीं जीएसटी लागू होने पर व्यापारी परेशान हैं। बेशक सरकार ने एक कर प्रणाली को बनाकर व्यापारियों को साधने का प्रयास किया हो, लेकिन आज ये जीएसटी कर प्रणाली व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। व्यापारी आमजन से टैक्स लेकर सरकार को जमा करता है, कभी कभी समस्या आ जाने पर उसे देरी से जमा करना पड़ता है, जिसके कारण उसे ब्याज भी देनी पड़ती है। बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकारों की ये व्यवस्था व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो वही आजमगढ़ में माहुल जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच चुकी है। बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव ही जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि भी हो गई है। जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव को आज कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जांच के दौरान रमाकांत यादव का नाम माहुल जहरीली शराब कांड में सामने आया है। न्यायालय से पुलिस को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा मिली है, अब आरोपी से पूछताछ की जाएगी। थाना एरोला अंतर्गत फरवरी के माह में जो अवैध शराब की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें FIR नंबर 39/22 पंजीकृत की गई थी। 13 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए चार्जशीट लगी थी। इसकी विवेचना प्रचलित थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम इस विवेचना में प्रकाश में आया। पुलिस के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना की गई और माननीय न्यायालय से इनके रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है। माननीय न्यायालय के सामने प्रक्रिया अभी चल रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब मरीजों के लिए जीवन बचाने का एकमात्र साधन है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि आज भी मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि लगातार भर्ती निकलने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज में नौकरी के लिए डॉक्टर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पिछले दिनों हुई भर्ती में भी 100 डॉक्टरों की भर्ती थी, जिसमें महज 13 डॉक्टर इंटरव्यू के लिए पहुंचे, जिनमें से 9 सेलेक्ट हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी के मुताबिक अभी भी अस्पताल में गायकोलॉजिस्ट, मेडिसिन कार्डियोलॉजी विभाग में कई ऐसे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। इसके अलावा अन्य विभागों को मिलाकर के 100 के आसपास पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर इसलिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं
कि अब उत्तर प्रदेश में भी 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। पहले यूपी से ज्यादा डॉक्टर यहाँ काम करने आया करते थे, लेकिन अब वो अपने क्षेत्र में ही नौकरी पा ले रहे हैं। डॉक्टरों की दिलचस्पी न दिखाने की वजह से न सिर्फ राजकीय मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दिक्कत है, बल्कि कुमाऊं भर से अस्पताल में इलाज कराने आने वाले लोगों को भी रोजाना डॉक्टरों की कमी का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ जो बयानबाजी की है वो पूरी तरीके से निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी देश की एकमात्र ऐसी नेता है जिन्होंने एक बार नहीं कई बार देश के प्रधानमंत्री के पद तक को ठुकरा दिया। उन्होंने स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से जल्द निकाले जाने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी नेता सोनिया गांधी के प्रति बयान दिया गया है, उसके विरोध में हम कांग्रेस जन आज पूरे देश में विरोध में है, सड़कों पर है और स्मृति ईरानी का पुतला फूंक रहे हैं और साथ ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। रुद्रपुर के रामपुरा में पुराने विवाद के चलते 3 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक ही दुकान से केक खरीद रहे थे, तभी कुछ युवकों ने तीनों पर तलवार और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 3 युवकों के साथ ही मोहल्ले में घर के बाहर खड़े बुजुर्ग सहित 2 और लोग घायल हो गए हैं। 5 घायलों में से 3 लोगों को छर्रे भी लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा दिया है। दो गुटों में आपस में किसी बात पर लड़ाई हुई थी जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसी में फायरिंग की भी घटना प्रकाश में आ रही है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति जो वहीं पड़ोस में रहते थे उनके पैरों में छर्रे लगे हुए हैं। उसमें 3 लड़कों को और भी चोटें आई हैं, जिसमें एक लड़के को बैक साइड में लगा, बाकी 2 लड़कों को किसी और ऑब्जेक्ट से चोट लगी है। यहाँ पे अभी इनके चिकित्सक के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मौके पर हमारी टीम भी पहुंची है, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इनके बीच लड़ाई हुई है, तरी रहने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।